देश में भारी भरकम महंगाई होने के कारण देश की आम जनता में केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रति बड़ी भारी नाराजगी। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा व सड़कों पर जनता के लिए संघर्ष करेगी। जी हां, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार एससी एसटी व ओबीसी समुदाय की सरकारी नौकरियों व प्रमोशन में आरक्षण खत्म करना चाहती है। आरक्षण खत्म करना इन समुदायों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करेगी, जिसके तहत 16 फरवरी को पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में 1 बजे से धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार का जो दलित, पिछड़ा वर्ग व गरीब आदमी विरोधी चेहरा है, उसको उजागर किया जाएगा, जबकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग व आम जनता के हित में काम किया है। वहीं मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार देश में रोजगार देने की बजाय लोगों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है, जबकि देश में उद्योग धंधे बंद होने से लाखों लोग पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं। ऊपर से सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत में 144 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने की बजाय लगातार जरूरत का सामान व खाद्य वस्तुओं में भारी भरकम बढ़ोतरी करने में लगी हुई है। वही रसोई गैस में भारी बढ़ोतरी करने से रसोई का बजट आम जनता का और बिगड़ जाएगा और आम जनता पहले से ज्यादा परेशान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा। केंद्र सरकार एससी एसटी व ओबीसी के जो आरक्षण मिलता है सरकारी नौकरियों में और प्रमोशन में, उनको खत्म करना चाहती है। यह दलितों के साथ एक बहुत बड़ी जाति है, इसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। जबकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही एससी एसटी ओबीसी समुदाय के लोगों का हमेशा साथ दिया है, गरीबों को और आम जनता के साथ खड़ी है। जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हर वर्ग का लोग, नागरिक दुखी है, जिसके विरोध के अंदर 16 तारीख को प्रदेश के अंदर जगह जगह हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन राष्ट्रीय स्तरीय स्तर के ऊपर कांग्रेस पार्टी जगह जगह प्रदर्शन करेगी और जिसके तहत 16 तारीख को हिसार में जो प्रजात चौक, अग्रसेन चौक है, वहां पर संकेतित धरना 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी हमारे एससी एसटी वह ओबीसी के जो हमारे समुदाय के लोग हैं, गरीब जनता है, आम जनता के साथ खड़ी है, किसी प्रकार की जाति होने नहीं देंगे। यहाँ तक कि देश के अंदर, इस राज्य के अंदर लगातार महंगाई बढ़ रही है, 144 रुपए एकदम से भारी भरकम गैस सिलेंडर में वृद्धि करके भाजपा सरकार ने अपना असली चेहरा जनता के सामने उजागर कर दिया है। पहले ही देश के अंदर बेहताशा महंगाई हो रही है। आज जितनी खाद्य वस्तुएं हैं, आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं, गरीब आदमी के पूंज से बाहर है और गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाने के बावजूद आम जनता का रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। आज सरकार के पास ना तो कोई नीति है, ना कोई नियत, ना कोई योजना है। सरकार की गलत नीतियों के कारण केंद्र की सरकार, हरियाणा की सरकार
इन गलत नीतियों के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिसका मुख्य कारण उद्योग धंधे हरियाणा से पलायन करना, देश में बंद होना, ये मुख्य कारण है। जो रोजगार लोगों को उद्योग के माध्यम से मिलता था, व्यापार के माध्यम से मिलता था, जब उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, उद्योग कहां से मिलेंगे? जिसके कारण सरकारी आंकड़े भी कहते हैं लाखों लोग बेरोजगार हुए। एक तरफ हरियाणा सरकार कहती है हम प्राइवेट उद्योगों के अंदर, व्यापार के अंदर 75% हरियाणा के लोगों को नौकरी देंगे, आरक्षण देंगे, बट तुम फैक्ट्रियां तो बंद करवा रहे हो। कौन सी एक फैक्ट्री सवा 5 साल के अंदर हरियाणा में लगी, ये भाजपा बता दे। और सवा 5 साल के अंदर हजारों फैक्ट्रियां हरियाणा में बंद हो चुकी है, पलायन कर चुकी है। किसी समय पूरे देश के अंदर हिसार की आयल मिले, दाल मिले प्रसिद्ध हुआ करती, आपके सामने जिसका तेल और दालें पूरे देश के कोने कोने में जाती थी, आज दाल मिले की 80% बंद हो चुकी है, आयल मिले बंद हो चुकी है 90%, कबार की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, राइस मिले बर्बादी के करार के ऊपर है, फ्लोर मिले, मैदा मिले, जितनी मिले हैं वो आपके सामने हैं। हिसार के अंदर कितने बड़े बड़े उद्योग हुआ करते हैं, आप देख लो, बानू इंडस्ट्री फलानी सब बंद हो चुकी है। कहां स्थिति है आज हमारा इंडस्ट्रीज एरिया, जो पुराना इंडस्ट्री एरिया था, आज वहां पर क्या है? कोई वर्कशॉप बन रही है गाड़ियों की, कोई गोदाम बना रहा है? इंडस्ट्री एरिया का नाम नहीं है, गिनी चुनी फैक्ट्रियां हिसार के इंडस्ट्री एरिया के अंदर है, ये आपके सामने है। तो कहां से उद्योग मिलेंगे, कैसे यहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा? आप उद्योगों को सुविधा नहीं दे रहे, गरीब आदमी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, महंगाई बढ़ा रहे हो, गरीबों का मुंह का निवाला आप छील रहे हो। जो गरीब दलित पिछड़ा वर्ग हमारे साथी है, जिन्होंने हमेशा ही शुरू से ही जिनको आरक्षण मिलता आ रहा था, उनका आरक्षण आप खत्म करने जा रहे हो, संविधान का जो है संविधान के खिलाफ आप काम कर रहे हो, सीधा संविधान में बार बार आप चेंजिंग करके बदलाव करके उसमें छेड़खानी कर रहे हो, तो कैसे देश तरक्की करेगा? तो मेरी एक ही बात है, 16 तारीख को प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे और भाई गरीब आदमी की हित की लड़ाई राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, सड़कों पर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और हर एक व्यक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और उनके लिए आंदोलन करेंगे, उनकी हर समस्या का समाधान करवाने के लिए हमारा आंदोलन पूरे हरियाणा के अंदर जारी रहेगा, इसमें कोई दो नहीं।